नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं और आज हम बात करेंगे एक एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के जजमेंट की। हालांकि मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के जजमेंट्स जो हैं, जो भी उनकी रूलिंग्स हैं, वो बड़ी स्पेसिफिक एप्लीकेशन होती है उनकी। जो भी एप्लीकेंट उसको सॉर्ट करता है उसके ऊपर एप्लीकेशन होती है, बहुत ज्यादा रेशो नहीं होती। लेकिन एक एडवांस रूलिंग, गुजरात एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने एक रिसेंटली 17 मार्च को एक रूलिंग दी, जिसके बाद काफी ह्यू एंड क्राई हुआ, काफी डिस्कशन हुई एक्सपर्ट्स के बीच में, इसके ऊपर और ज्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च हुई और पाया गया कि ये जो एक पूरा का पूरा एक प्रॉब्लम, एक नई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट जो है, वो एक एडवांस रूलिंग, गुजरात एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने इन द केस ऑफ स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड क्रिएट की है, उसका कहां सिर है और कहां पैर है। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि इन्होंने दो सवाल पूछे स्टरलाइट इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने। पहला सवाल ये पूछा कि जो गुड्स हमने आउटसाइड इंडिया एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में प्रोक्योर किए हैं, उसको कभी इंडिया में नहीं लाए तो क्या उनके ऊपर आईजीएसटी या कोई भी जीएसटी लगेगा। तो थैंकफुली एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने कहा कि क्योंकि वो कस्टम फ्रंटियर कभी क्रॉस नहीं किया उन्होंने, इसलिए उसके ऊपर जीएसटी यहां पर इंडिया में नहीं लगेगा। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि जी हमने एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंडोनेशिया से मैंने गुड्स खरीदे और उसको यूएस से सप्लाई कर दिया, एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी फ्रॉम इंडिया टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी गुड सप्लाई कर दिए, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा उस सप्लाई ट्रांजेक्शन पे। एस्टॉनिशिंगली एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया, उसके बाद उन्होंने जजमेंट ये दिया कि हाँ जी इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अब इसके बैकड्रॉप में जाते हैं, लीगल बैकड्रॉप में। सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी की, तो वहां कहते हैं कि जी आईजीएसटी जो है वो लगेगा उस पॉइंट पे जहां पर कस्टम्स एक्ट के अनुसार कस्टम ड्यूटी लगती है, और उस वैल्यू पर लगेगा जिस वैल्यू पर कस्टम ड्यूटी लगती है। तो जब कस्टम ड्यूटी लगेगी तभी तो आईजीएसटी लगेगा, अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स किए जाएंगे तो। जब गुड्स इंडिया में ही नहीं आए तो आप उसको इंटरस्टेट सप्लाई ट्रीट कर लोगे तो आईजीएसटी कैसे लगाओगे, क्योंकि लेवी फेल हो जाएगा आपका, सेक्शन 5(1) ही फेल हो जाएगा, क्योंकि वो ये कहता है कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे कस्टम्स एक्ट के अनुसार गुड्स जब इंपोर्ट इंडिया में होते हैं तो जब कस्टम ड्यूटी लगती है, जिस समय जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे और जिस वैल्यू पर कस्टम ड्यूटी लगती है उसी वैल्यू और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आईजीएसटी भी लगेगा। बिल्कुल क्लियर है लेवी सेक्शन उसका। उसके बाद दूसरा जो लीगल बैकग्राउंड है वो शेड्यूल 3 है। अब शेड्यूल 3 ये कहता है, एंट्री नंबर 7 है शेड्यूल 3 की, वो कहता है कि जी जो आपने अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से गुड्स खरीदे और दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बेच दिए, उसको हम ना गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। अब इंटरेस्टिंगली उस बात को भी कंसिडर नहीं किया गया, हालांकि वो अमेंडमेंट जो है शेड्यूल 3 में 1 फरवरी 2019 से आई, बट मेरी अपनी समझ में ये अमेंडमेंट जो है मेयरली क्लेरिफिकेटरी इन नेचर है, क्योंकि हमेशा से आईसी सेल्स को मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस भी कहा जाता है, तो मर्चेंट एमटीटी जो है हमेशा से वो एक तरह से आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ सेल्स टैक्स या वैट रहा था, और इसलिए यही आज तक इसकी ज्यूरिसप्रूडेंस भी यही डिसाइड हुआ था कि वो उस पर के ऊपर कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आज इस स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के केस में गुजरात एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने कहा कि टैक्स लगेगा। तो हालांकि वो 1 फरवरी से वो शेड्यूल 3 में एंट्री आई, लेकिन वो क्लेरिफिकेटरी है तो रेट्रोस्पेक्टिव होगी। अगर वो कोई भी क्लेरिफिकेटरी अमेंडमेंट है तो रेट्रोस्पेक्टिव होगी। तो मेरे हिसाब से वो तो 1 जुलाई 2017 से ही हाईसी सेल है और एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में कोई टैक्स उस पर नहीं लगना चाहिए, दैट शुड नॉट बी ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और मोर इंटरेस्टिंगली एक और अमेंडमेंट सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में किया उसी समय 1 फरवरी 2019 को, उन्होंने कहा कि शेड्यूल 3 में जितनी भी एंट्रीज है एक्सेप्ट एंट्री नंबर 5 सेल ऑफ लैंड, अगर आप इनकी कोई भी सप्लाई करते हैं तो ना ये एग्जम सप्लाई भी नहीं मानी जाएंगी फॉर द रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रूल 42 एंड 43। मतलब एग्जम सप्लाई नहीं मानी जाएगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी रिवर्स नहीं होगा, पूरा का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा। अब बात समझ नहीं आई कि ये सारी बातें अगर हुई हैं उसके बाद भी एक तरफ तो आप इतना बेनिफिट भी दे रहे हैं कि उसको एग्जम सप्लाई भी ट्रीट नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ आप जो है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी आज उसको टैक्सेबल ही कर दिए पूरा का पूरा। So, मुझे ऐसा लगता है कि ये एडवांस रूलिंग अथॉरिटी पूरे फैक्ट्स और कानून को नजर में रखकर नहीं दी गई है, अथॉरिटी ने जजमेंट नहीं दिया गया है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के पास अभी भी लीगल रिकोर्स है, वो एपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हैं, उसके बाद भी अगर एडवर्स रूलिंग आती है वहां से, जो कि हम नॉर्मली आजकल एडवांस रूलिंग को एडवर्स रूलिंग ही कहते हैं, तो अगर कोई एडवर्स रूलिंग आती है तो दे कैन सर्टनली अप्रोच दी हाई कोर्ट ऑल्सो, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। एंड तो टू माई अंडरस्टैंडिंग
ये एडवांस रूलिंग अथॉरिटी पूरे कानून को और तथ्यों को ध्यान में रखकर ना ध्यान में रखकर दिया गया है, और मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जितने भी आईसी सेल्स हैं, एक टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरी, एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरी नॉन टैक्सेबल, वो हमारी ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।